कवच सिस्टम, BMBS, मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर, इन सब के बावजूद भी क्यों नहीं रुक रहे हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 29 अक्टूबर की रात को एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह अभी इस वीडियो को शूट करते समय तक ह्यूमन एरर को बताया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले एक दशक में भारत में कई ऐसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। इसी साल जून में कोरोमंडल ट्रेन एक्सीडेंट, अगस्त 2017 में हीराखान ट्रेन एक्सीडेंट, 2010 में उत्तर बंगा ट्रेन एक्सीडेंट, 2016 में इंदौर पटना ट्रेन एक्सीडेंट। अब सवाल ये आता है कि पास्ट में हुए इन सब इंसिडेंट से हमने क्या सीख ली, क्यों दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस टेक एरा में ऐसे हादसे न हो इसलिए बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी पर कितना ध्यान दिया गया, तो इन सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। तो शुरुआत में तो मैंने पुराने आंकड़ों की बात की, अब आंध्र प्रदेश में क्या हुआ सबसे पहले वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर हो गई। पुलिस ऑफिशियल की माने तो विजयनगरम में विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ने रात को विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी, जिस वजह से ट्रेन के चार डब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए। जिस ट्रेन एक्सीडेंट में अब तक 13 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और अभी तक इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह जो है वो ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही रेल हादसे हो रहे हैं? खैर, अब ये जानते हैं कि इस तरह के हादसे बीते एक दशक में कितने देखने को मिले हैं। तो इसी साल जून के महीने में ओडिशा के बालासोर में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ, जो पिछले 15 सालों में हुआ सबसे भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट था, जिसमें 291 लोगों की जान चली गई और हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर उससे पहले अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। फिर नवंबर 2016 में कानपुर के पास ही इंदौर पटना एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले मार्च 2015 में जनता एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी, जिस हादसे में 34 लोग मारे गए थे। साल 2012 को कोई कैसे भूल सकता है। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2012 में 14 रेल हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। जुलाई 2010 में वेस्ट बंगाल में उत्तर बंगा एक्सप्रेस और सितंबर 2010 में MP में ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, जिस रेल हादसे ने भी कई लोगों की जान ले ली थी। एक्सीडेंट और इसमें मरने वाले लोगों की लिस्ट भी काफी लंबी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने ट्रेन एक्सीडेंट होते क्यों हैं? 2022 की NCRB की रिपोर्ट की माने तो 2021 में ट्रेन एक्सीडेंट 2020 की तुलना में 38.2% बढ़े हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे कई बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है, जो अधिकतर समय हमें सुनने को मिलती है, वो है ह्यूमन एरर, जिसमें रॉन्ग सिग्नलिंग, ओवर स्पीडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब आता है। दूसरी बड़ी वजह है सिग्नल फेलियर। सिग्नल सिस्टम का काम होता है ट्रेन के डायरेक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करना। इसमें टेक्निकल ग्लिच, पावर आउटेजेस और ह्यूमन एरर की वजह से दिक्कत आ सकती है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट। वैसे तो इसमें बीते कुछ सालों में काफी सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जैसे BMBS, बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, कवच, GPS बेस्ड फॉग पास डिवाइस, जैसे टेक्नोलॉजी को ऐड करना, मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर बनाना, अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि डिफेक्टिव ट्रेनों का पता चल सके, ऐसे कई कदम और उठाए गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को लाने से ही ट्रेन एक्सीडेंट कम हो जाएंगे? CAG 2022 की रिपोर्ट, जिसका टाइटल है डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे, उसमें इन सभी पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में वेब बेस्ड एप्लीकेशन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक सिस्टम एक्टिविटीज, ये उतना ऑपरेशनल नहीं था। तो सिर्फ नए टेक से नहीं, उन तकनीकों की देखरेख करना भी एक अहम पहलू होता है, जो कई बार देखने को नहीं मिलता है। खैर, आंध्र प्रदेश रेल हादसे के पीछे की क्या वजह है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल जाएगा। खैर, उस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।